आज के ज़माने में हमें स्ट्रेस का होना, एंग्जाइटी या फियर्स का होना बहुत नॉर्मल लगता है, ज़िंदगी का हिस्सा लगता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना नॉर्मल नहीं है। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस भी उसका एक मेन रीज़न हो सकता है। और इसी स्ट्रेस की वजह से आपको कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन निकालें, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताने वाली हूँ। जैसे कोई फिजिकल बीमारी हमारे शरीर का नुकसान करती है, वैसे ही स्ट्रेस या कोई भी मेंटल इलनेस भी हमारे शरीर का उतना ही नुकसान करती है। तो जैसे आप किसी बुखार या जुकाम के इलाज में लग जाते हैं, वैसे ही स्ट्रेस का इलाज भी टाइम से करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसी मेंटल इलनेसेस के। एक्सट्रीम मूड चेंजेस, यानी कि कभी बहुत खुश होना और कभी एकदम उदास हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ा रहना, हर चीज़ में कंफ्यूज रहना या डिसीशंस ना ले पाना, फ्रेंड्स और फैमिली को अवॉइड करना, अल्कोहल या ड्रग्स लेना, हर रोज़ के स्ट्रेस को ना ले पाना, ईटिंग हैबिट्स में कुछ मेजर चेंजेस आना, बहुत ज़्यादा वज़न घटना या बढ़ जाना, बॉडी में कहीं भी दर्द होना या फिर सुसाइड जैसे थॉट्स आना, ये सब मेंटल इलनेस की निशानियां हैं। तो अगर आपको अपने में या आपकी फैमिली में किसी में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, तो ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। अब बात करते हैं कि क्यों हम सैडनेस, डिप्रेशन या इतना लो फील करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो हर एज का अलग स्ट्रेस है। अगर स्कूल के बच्चे हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, या अगर वो इंट्रोवर्ट हैं तो सोशलाइज करने का स्ट्रेस हो सकता है। उसी तरह अगर कोई जॉब में है तो एक्सेल करने का प्रेशर हो सकता है, या डेडलाइंस मीट करने का स्ट्रेस हो सकता है। अगर पर्सनल लाइफ में जाएं तो ब्रेकअप या डिवोर्स का स्ट्रेस हो सकता है, किसी को उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर के खोने का दुख हो सकता है। उसी तरह फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का स्ट्रेस हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज से कोई डिप्रेशन में जा सकता है, किसी बीमारी जैसे कि कैंसर से स्ट्रेस हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस रही हो तो वो भी आगे बच्चों में जा सकती है, और ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह है, जिसका मतलब है कि उसे हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो जब तक हम उसे प्रॉब्लम्स देते जाते हैं, वो उसे सॉल्व करके अपना काम करता जाता है। और जब हम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं दे पाते, तो वो खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक चूहे को कुतरने की आदत होती है, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है कुतरने के लिए, और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसके आगे के दांत बाहर निकल आते हैं, जिससे कि उसकी मौत भी हो सकती है, और इससे बचने के लिए वो हमेशा कुतरता ही रहता है। इसी तरह हमारे ब्रेन को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चाहिए, नहीं तो वो गलत दिशा में कुछ भी सोचने लगता है। आपने वो सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बस सॉल्यूशन भी यही है कि अपने दिमाग को हमेशा बिजी रखें, किसी ना किसी काम पर लगाए रखें, ताकि उसे कुछ भी फालतू सोचने का टाइम ही ना मिले। तो जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसका एक आसान उपाय है फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एक तरह के नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। एक्सरसाइज से हमें नींद भी अच्छी आती है, और अच्छी नींद से भी स्ट्रेस कम होता है। तो अगर आज तक आप एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए करते आ रहे थे, तो अब से मेंटल हेल्थ के लिए भी करें। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा, डांस, एक्यूपंक्चर, मसाज या फिर डीप ब्रीदिंग से भी स्ट्रेस कम होता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि गिटार बजाना, पेंटिंग सीखना या केक्स बेक करना या कुछ भी, तो वो करना शुरू करें। अगर आपको म्यूजिक या डांस का शौक है तो उसमें अपने आप को एंगेज करें, लेकिन कैसे भी करके अपने आप को और अपने माइंड को हमेशा बिजी रखें। अगर आप ऑफिस स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो अपने लिए दिन का एक घंटा जरूर निकालें, और हर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, तभी आप ऑफिस जा पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आउटडोर स्पोर्ट्स में जरूर इंटरेस्ट लें। आपको भी अपनी सोशल लाइफ मिस नहीं करनी, बस एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है।
तो अगर आपको स्टोरी बुक्स पढ़ने का शौक है या म्यूजिक सुनने का शौक है तो वो भी साथ में जरूर करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं और सारा दिन घर पर रहती हैं तो हर रोज वॉक या एक्सरसाइज का रूटीन जरूर बनाएं और सनलाइट भी जरूर लें। इसके साथ साथ अपने लिए एक गोल जरूर सेट करें, चाहे वो हर हफ्ते किटी पार्टी करने का ही क्यों ना हो। अगर आपका अपना बिजनेस है और आप घर से काम करते हैं तो आप भी अपने लिए टाइम जरूर निकालें। अपने कमरे से बाहर निकलकर ताजी हवा में एक्सरसाइज तो करें ही, साथ में अपनी पसंद की कोई हॉबी भी परस्यू करें। उसी तरह जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र में वो अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं और ऐसे में भी अपने आप को बिजी रखना उतना ही जरूरी है। तो चाहे उनका हर रोज एक पूरा अखबार पढ़ने का गोल हो, मंदिर जाने का रूटीन हो या फिर स्वेटर बुनने का ही काम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ काम उनके पास भी हमेशा होना चाहिए। तो जैसे हम कोई भी जंक फूड अपने अंदर डालने से पहले दो बार सोचते हैं, उसी तरह कोई भी नेगेटिव थॉट भी अपने माइंड में डालने से पहले दो बार सोचना चाहिए। आपका माइंड वही सुनेगा और मानेगा जो आप उसे बताएंगे। तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। जाने से पहले आज का टिप यही है कि अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप अपने फिजिकल हेल्थ को देते हैं। तो जब बुखार होने पर आप सीधा डॉक्टर से इलाज कराते हैं, वैसे ही किसी भी तरह की मेंटल इलनेस होने पर भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाने से ना घबराएं। सही समय पर इलाज प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही खत्म कर सकता है, और अगर आप अपने आसपास और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखें तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ऑल द बेस्ट।